जम्मू कश्मीर में चौथे दिन पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। राजौरी के चीती बकरी इलाके में फायरिंग हुई, मोर्टार दागे गए पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तानी फायरिंग का सुरक्षा बलों ने करारा जवाब भी दिया है। जी मीडिया संवाददाता राजू केनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, किस वक्त ये फायरिंग शुरू हुई, गोलीबारी शुरू हुई और क्या अभी तक जारी है? जी, पाकिस्तान की तरफ से आज सुबह लगभग 7:45 के करीब राजौरी सेक्टर में जो है ये चिट्टी बकरी मांझाकोट बालाकोट इलाका जो है, इस इलाके में जो है पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार जो है दागे जाने लगे, जिसका भारतीय फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई उसी तरीके से की गई जैसे कल से दी जा रही है। 82 mm मोर्टार, 120 mm मोर्टार जो है वो दागे जा रहे हैं और उसका जवाब वैसे दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि कल की गोलाबारी के बाद से जो है जम्मू क्षेत्र के जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ, यहाँ पे हाई अलर्ट जो है घोषित कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी जो है इन इलाकों में किसी समय भी हो सकती है, क्योंकि पहले जम्मू के अरनिया में फायरिंग हुई, नौशहरा में फायरिंग हुई 2 दिन लगातार, फिर उसके बाद अब राजौरी इलाके में फायरिंग हुई। तो पाकिस्तान के जो इरादे हैं उनको देखते हुए जो प्रशासन ने कोई चांस नहीं लेना चाहता। कल जो है नौशहरा के लगभग 1000 के करीब जो लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया गया था, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक रहते थे, उन्हें कुछ स्कूलों में जो है शिफ्ट किया गया। और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के राजू, इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो राजौरी के चिटी बकरी इलाके में पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए हैं, गोलीबारी की गई है, सीज फायर का उल्लंघन किया गया है।